हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जोसेफ एडिसन के दो ऐसे हैं, सर रोजर अटहॉम और विम विम्बल। ये दोनों ही द स्पेक्टेटर जो हैं, जो जोसेफ एडिसन और उनके फ्रेंड रिचर्ड स्टीली ने मिलके एक डेली जनरल था वो स्टार्ट किया था, उसी के अंदर ये एसेज हैं। और आज हम इनसे ही रिलेटेड जो हैं अपने एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, जोसेफ एडिसन वॉज जैन, ये क्या थे? इंग्लिश एसेइस्ट, इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट, और इंग्लिश पॉलिटिशियन, और ऑल ऑफ द अबव। तो जोसेफ एडिसन जो थे वो ये सभी थे। वो इंग्लिश एसेइस्ट भी थे, पोएट और प्ले राइट भी थे, और पॉलिटिशियन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोसेफ एडिसन वॉज बोर्न ऑन। अब हमसे पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था। सो राइट आंसर इज डी, 1 मई 1672। सो जोसेफ एडिसन जो थे वो इंग्लिश एसेइस्ट थे, पोएट एंड प्ले राइट थे, इंग्लिश पॉलिटिशियन थे, और इनका जन्म हुआ था 1 मई 1672 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर रोजर एट होम इज़ एन एसे रिटन बाय। ये जो एसे था ये किसने लिखा था? ए फ्रांसिस बेकन, बी जोसेफ एडिसन, सी रिचर्ड स्टीली, और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज बी, जोसेफ एडिसन। ध्यान रखना रिचर्ड स्टीली कौन थे, इनके फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर रोजर एट होम वॉज पब्लिश्ड इन। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ये ऐसे है ये किस में पब्लिश हुआ था। ए द टैटलर, बी द स्पेक्टेटर, सी द क्राइटेरियन, और डी द रेम्बलर। तो ये जो हमारा पब्लिश हुआ था ये हुआ था द स्पेक्टेटर में। सर रोजर एट होम और विम विम्बल ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? द स्पेक्टेटर के पार्ट हैं। उसी में ये क्यों क्या है, ये एसेज हैं जो किस में पब्लिश हुए, द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर रोजर एट होम वॉज पब्लिश्ड ऑन। अब हमसे पूछा गया है कि सर रोजर एट होम जो है वो कौन कब पब्लिश हुआ था। 2 जुलाई 1711, अगस्त 2, 15 जुलाई, और 17 जुलाई। तो आंसर है 2 जुलाई 1711 में ये जो हमारा ऐसे था ये पब्लिश हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सर रोजर एट होम स्पेक्टेटर पेपर इज। जब ये छपा था तो ये कौन से नंबर का ऐसे था? 106, 107, 108 और 109। सो राइट आंसर इज 106, 106। तो 106 नंबर का ये हमारा ऐसे था जो किस में छपा था, द स्पेक्टेटर में छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एसे इन विच देयर अपीयर द कैरेक्टर सर रोजर डी कार्ली आर ऑल्सो नोन एज। सो ये एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, वो क्या है? ए पिकविक पेपर्स, बी डेली न्यूज़पेपर, सी रोजर पेपर, और डी कावर्ली पेपर्स। सो राइट आंसर इज डी, कावर्ली पेपर्स। इसका जो अदर नेम था वो कावर्ली पेपर्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस अ फिक्शियस कैरेक्टर नेम सर रोजर इन हिज एसे। तो सर रोजर जो है इन्होंने लिखा है, जोसेफ एडिसन ने यूज़ किया है, लेकिन एक और थे जो राइटर थे उन्होंने भी इसका क्या किया है, यूज़ किया है। तो वो कौन थे? फ्रांसिस बेकन, जोसेफ एडिसन, सी रिचर्ड स्टीली, या बोथ बी एंड सी। सो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टीली इन दोनों ने ही अपने एसेज में इस कैरेक्टर को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो इन्होंने दोनों ने अपने वर्क में इसको क्या किया है, यूज़ किया है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ सर रोजर? सर रोजर का पूरा नाम क्या था? ए सर रोजर डी कावर्ली, सर रोजर डी वेवरली, सर रोजर डी लवली, और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, सर रोजर डी कावर्ली इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर सर रोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द स्पेक्टेटर विजिट सर रोजर डी कावर्ली? जो स्पेक्टेटर हैं वो सर रोजर डी कावर्ली से मिलने के लिए क्यों जाते हैं? ए टू अटेंड अ मैरिज पार्टी, बी टू अटेंड हिज बर्थडे, सी जस्ट टू मीट हिम आफ्टर लॉन्ग, और बी डी बिकॉज ही रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम सर रोजर। तो जो स्पेक्टेटर हैं वो कहाँ जाते हैं? वो सर रोजर डी कावर्ली के यहाँ पर रहने जाते हैं। कितने दिन के लिए? पूरे एक महीने के लिए उनके यहाँ रहने जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं? तो राइट आंसर इज़ डी, बिकॉज ही रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम सर रोजर। क्योंकि उन्हें सर रोजर के द्वारा क्या मिला था, एक इन्विटेशन मिला था, और उस इन्विटेशन के मिलने के बाद ही वो उनके यहाँ रहने के लिए जाते हैं। वो दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो वो अपने फ्रेंड के यहीं पर रहने जाते हैं। और ये जो सर रोजर हैं काफ़ी रिच हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा क्या था, कम्फर्ट था। नेक्स्ट इज, हाउ इज़ सर रोजर रिलेटेड टू द स्पेक्टेटर? अब पूछा गया कि सर रोजर स्पेक्टेटर से कैसे रिलेटेड है। ए सर रोजर इज इज़ मेंटर, सर रोजर इज़ एल्डर ब्रदर, सर रोजर इज़ फ्रेंड, सर रोजर इज़ इज़ लैंडलॉर्ड। तो मैंने अभी बताया सी, सर रोजर इज़ फ्रेंड, उनके फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द मेम्बर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब?
इनमें से कौन द स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर नहीं है? ए कैप्टन सेंट्री, बी सर रोजर डी कार्ली, सी सर एंड्रयू फ्रीपार्ट द मर्चेंट, और डी टेम्पलर अ लॉयर हु इज सिक ऑफ हिज प्रोफेशन। तो हमसे पूछा गया है कि कौन है जो स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर नहीं है। वेल, स्पेक्टेटर क्लब में टोटल 6 मेंबर्स थे, और वो 6 मेंबर्स में से जो ये हमारे चार ही चारों ही स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर थे, और साथ में जो दो और थे वो थे विल हनीकॉम और द क्लर्जीमैन। सो कैप्टन सेनेटरी, सर रोजर डी कावर्ली, सर एंड्रयू फ्रीपार्ट द मर्चेंट, टेम्पलर अ लॉयर हिज सिक ऑफ हिज प्रोफेशन, विली हनीकॉम और द क्लर्जीमैन। ये 6 के 6 कौन थे? द स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स थे। नेक्स्ट इज़ हु इज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर। जब मिस्टर स्पेक्टेटर कहाँ गए? सर रोजर के यहाँ पर, उनके इनविटेशन पर उनके यहाँ रहने गए, तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो मिस्टर स्पेक्टेटर का ध्यान रखें? कहाँ पर? सर रोजर के घर पर। सो ए सर रोजर, बी चैपलेन, सी बटलर और डी गार्डनर्स। सो राइट आंसर इज़ बी चैपलेन, सॉरी सी बटलर। सो जो बटलर है, सर रोजर ने अपने बटलर को यह जिम्मेदारी दी कि तुम्हें जो है मिस्टर स्पेक्टेटर जो है हमारे गेस्ट हैं उनका क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एट हिज होम सर रोजर गेव द स्पेक्टेटर। सो जब जो स्पेक्टेटर थे वो कहाँ रहने गए? सर रोजर के घर पर रहने गए, तो उन्होंने क्या ध्यान रखा था? तो उन्होंने ध्यान रखा था एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम ही वॉन्टेड, कि उन्हें जो भी आज़ादी चाहिए थी उनके घर में मिस्टर सर रोजर ने उन्हें वो दी। वो कैसे थे? जो स्पेक्टेटर थे बहुत ही ज़्यादा रिजर्व इंसान थे, उन्हें ज़्यादा किसी में घुलना मिलना पसंद नहीं था, बहुत कम बोलते थे। सो उन्हें पूरी आज़ादी दी गई कि वो अपने स्पेस में रहे, कोई भी उन्हें बिना वजह कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने देता, वो आराम से वहाँ अपना काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन लिविंग विद सर रोजर एट हिज हाउस अबव 30 ईयर्स। कौन था जो सर रोजर के साथ पिछले 30 साल तक उन्हीं के घर में रह रहा था? बटलर, चैम्पलेन, नर्स और डॉक्टर। सो राइट आंसर इज़ बी चैम्पलेन। चैम्पलेन जो था सर रोजर के साथ उन्हीं के घर में पिछले 30 साल से रह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर मैंशन इन द एसे सर रोजर एट होम। कौन से नेम हैं जो सर रोजर एट होम के एसे में मैंशन किए गए हैं? रॉबर्ट सैंडरसन, जॉन टिल्स्टन, इसाक बैरो और एडमंड क्लेम। सो वेल, ये जो चारों नाम हैं, ये चारों नाम ही जो हैं सर रोजर एट होम के एसे में मेंशन किए गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एसे विल विम्बल वॉज पब्लिश ऑन वेडनेसडे डेट। अब ये दूसरा एसे है और हमसे पूछा गया है कि इसकी डेट क्या है, ये कब पब्लिश हुआ था। सो वेल, राइट आंसर इज़ ए 4 जुलाई 1711 में ये एसे क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच नंबर द एसे विल विम्बल वॉज पब्लिश इन द स्पेक्टेटर। सो ये भी इस द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुआ, और ये कौन से नंबर का एसे था? वेल डी 100A 106 फॉर वर्ड सर रोजर एंड 108 फॉर विल विम्बल। तो दोनों क्या हैं, ऐसे हैं जो द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर ऑफ विम्बल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद। सो ये जो विल विम्बल का आइडेंटिफाई था, किसको डेडिकेटेड था एंड किसको देखकर बनाया गया था? सो मिस्टर थॉमस मोरक्राफ्ट के ऊपर ये बेस था, ये उन्हीं से आइडेंटिफाई करता था। नेक्स्ट इज व्हाट अ कंट्री फेलो ब्रॉट सर रोजर। एक गांव वाला था जो आया, वो सर रोजर के लिए क्या गिफ्ट लेकर आया था? अ ह्यूज फिश। वेल ए इज़ द राइट आंसर। वो उनके पास आया और एक ह्यूज फिश लेकर आया था, और वो किसने भेजी थी? विल विम्बल ने उनके लिए भेजी थी क्या, एक ह्यूज फिश, और उसके साथ ही एक लेटर भी भेजा था। ये जो विल विम्बल थे ये कैसे थे? ये रिप्रेजेंट करता था मॉडर्न सोसाइटीज़ की हाई फैमिलीज़ को, जिसमें माना जाता था कि जो छोटे भाई बहन होते हैं उन्हें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती कि वह घर के बड़ों का ध्यान रखें। तो इसीलिए जो विल विम्बल थे 40 से 50 के बीच की एज थी उनकी, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं करते थे। नेक्स्ट इज हु हैड गॉट द फिश दैट मॉर्निंग। फिर से वही क्वेश्चन पूछा, जो फिश उन्हें भेजी गई थी वो किसने पकड़ी थी? सो राइट आंसर इज ए मिस्टर विल विम्बल ने वो फिश पकड़ी थी जो किसे भेजी, सर रोजर को गिफ्ट की थी। व्हाट एल्स वाज गिव टू रोजर अलोंग विद द फिश। तो फिश के साथ जो सर रोजर थे उन्हें क्या भेजा गया था? सो राइट आंसर इज सी अ लेटर। उन्होंने फिश के साथ एक लेटर उनको भेजा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल, एक चीज़ और कि जब उन्होंने फिश तो एज अ गिफ्ट उनके लिए भेजी और उसके साथ उन्होंने एक लेटर भेजा, तो उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने आने वाला हूँ। वो किसी काम में बिज़ी था, और जो काम था वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिज़ी रहते थे।
नेक्स्ट इज हु हैज़ रिटन दैट लेटर, तो वो लेटर किसने लिखा था, ऑब्वियसली वो लेटर किसने लिखा है, ए विल विम्बल ने वो लेटर लिखा था, किसके लिए, सर रोजर के लिए लिखा था कि मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ, और साथ में क्या भेजी थी, एक बड़ी फिश भेजी थी जो उन्होंने उसी दिन पकड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल विम्बल इज़ हाईली, सो विल विम्बल क्या किस तरह का ऐसे है, वेल सटारिकल ऐसे है क्योंकि ये एक सटार था कि जो अर्ली डेज थे उस दौरान जो हाई फैमिलीज थी उनमें माना जाता था कि जो बड़े भाई हैं वो उन्हें काम करना चाहिए और जो छोटे भाई हैं उन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि क्योंकि वो हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अपनी डिग्निटी से नीचे का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए विल विम्बल कोई भी काम नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अपनी डिग्निटी से नीचे में कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता, और इसलिए वो क्या थे, बेरोजगार थे, और वो हमेशा कैसे दूसरों को खुश करने के लिए उसी काम में क्या रहते थे, बिजी रहते थे और कोई भी ऐसा सीरियस काम नहीं करते थे, तो क्या हुआ, सटारिकल ऐसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऐसे विल विम्बल हाईलाइट द फुलिशनेस ऑफ, तो ये किस चीज़ की फुलिशनेस को दिखाता है, ए सोशल कन्वेंशन, ये सोशल कन्वेंशन की फुलिशनेस को दिखाता है कि मतलब अगर हम हाई फैमिली से काम बिलोंग करते हैं तो हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारी मतलब हमारे जो हमारी डिग्निटी है उसे मैच ना करे, उससे नीचा हमें काम, क्योंकि हम अमीर हैं तो इसीलिए हम कोई भी छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, भले ही हम बेरोजगार रहें तो ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे, तो इसीलिए कैसा ऐसे है, एक सटायरिकल ऐसे है और किसकी फुलिशनेस दिखाता है, सोशल कन्वेंशन की। सिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर विम्बल रिप्रेजेंट द यंग ब्रदर इन हाई फैमिलीज हु आर सपोज टू, तो वे जो हैं वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हाई फैमिलीज में छोटे भाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ए हैव फन इन लाइफ, डू फिशिंग ऑल द टाइम, अडॉप्ट फिशिंग एज अ बिजनेस, और स्टे विद फैमिली मेम्बर्स एंड टेक केयर ऑफ देम। सो मिस्टर विम्बल क्या है, यंग ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई फैमिलीज़ में, जिनका मानना था कि उन्हें फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रहना चाहिए और उनका क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाई फैमिलीज मेंटेन अ ट्रेडिशन, तो हाई फैमिली ने एक ट्रेडिशन था जो मेंटेन किया हुआ था, वो क्या ट्रेडिशन था कि ए द यंग वंस वर नॉट अलाउड टू डू वर्क बिलो देयर डिग्निटी, अपनी डिग्निटी से कोई भी नीचे का काम हमें नहीं करना है, सो राइट आंसर इज ए, वही कि हम क्या रिच हैं तो हम कोई भी छोटा मोटा काम तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इसलिए क्योंकि वो छोटा है और बड़े भाई काम कर ही रहे हैं तो उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, बस घर पर रहना चाहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए क्या है, ये एक सटारिकल ऐसे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें एक मोटो भी दिया गया है दोनों ऐसे का, सो द मोटो ऑफ सर रोजर एट होम इज़ फ्रॉम, जो इसका सर रोजर एट होम है इसका मोटो कहाँ से लिया गया है, होरेस द स्पेक्टेटर लिबरल और क्राइटेरियन, सो राइट आंसर इज ए, ये होरेस से लिया गया है। द मोटो ऑफ विल विम्बल इज़ फ्रॉम, और विल विम्बल का जो मोटो है वो कहाँ से लिया गया है, वन ऑफ द फैबल्स ऑफ एड्रेस अ थ्रेजन स्लेव, वन ऑफ द फैबल ऑफ एड्रेस अ थ्रेजन किंग, वन ऑफ द फैबल ऑफ एड्रेस अ थ्रेशन मिनिस्टर, सो राइट आंसर इज ए, वन ऑफ द फैबल ऑफ एड्रेस अ थ्रेशन स्लेव से जो है इसका मोटो लिया गया है, विल विम्बल का मोटो लिया गया है। अब द मोटो हियर प्लेंटी लिप्टन होल शैल पावर ऑफ फ्रूट फॉर थी अ कॉपी शावर रिच ऑनर ऑफ द क्वाइट प्लेन, ये मोटो किस ऐसे का है, विल विम्बल ऑफ द क्लब सर रोजर एट होम और डी नन ऑफ दीज, सो राइट आंसर इज सी, सर रोजर एट होम का ये मोटो है, और इसमें इस मोटो में ये पता लगता है कि जो सर रोजर थे उनके पास कंफर्ट की कोई भी कमी नहीं थी, काफ़ी रिच थे, उनके पास हर तरह की लग्जरी आइटम क्या थी, तो हियर प्लेंटी प्लेंटी से इस चीज़ का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटो इज आउट ऑफ ब्रेड टू नो पर्पस एंड वेरी बिजी अबाउट नथिंग, मतलब बिना बात के सांस चढ़े हुए हैं, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन के लिए बिजी हैं लेकिन जिस चीज़ के लिए बिजी हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो इस मोटो से ही पता लग रहा है कि किसका है, ये विल विम्बल का है, सो राइट आंसर इज सी कि विल विम्बल का ये क्या है, मोटो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।